प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, नई ओबीसी कार्ड भाजपा ने खेला है, लगता है चुनावी वर्ष का शंखनाद कर दिया गया है। देखिए, भाजपा के अंदर 3 साल का कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल पूरा हो गया, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बदला होना है। इसको किसी तरीके से राजनीतिक कार्ड या ओबीसी कार्ड की बात नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है कि कार्यकर्ताओं को समय समय पर अन्य अन्य पद दिए जाते हैं। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी को राष्ट्रीय टीम के अंदर ले लिया है, और नए हमारे नायब सिंह सैनी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र है, उन्हें जो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे उन्हें पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। मुख्यमंत्री पंजाबी हैं और प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से, लगता है अगला चुनाव जाट और गैर जाट की नीति पर। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातियों में भेदभाव करने का काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। माननीय मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री बनते ही एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दिया, तो इसलिए सब 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आगे भी आने वाले दिनों में भी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, देखिए मैंने कहा ना, बदलाव एक प्रक्रिया, बदलाव एक प्रक्रिया है। यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन व्यक्ति कब बन जाए, फरीदाबाद लोकसभा हो चाहे फरीदाबाद विधानसभा हो, किसी का कुछ नहीं पता कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दे दी जाए, किसको क्या दायित्व दे दिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, एक गली मोहल्ले में काम करने वाले कार्यकर्ता आज देश के प्रधानमंत्री हैं, छोटे से कार्यकर्ता आज देश की राष्ट्रपति है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक समान कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष। हरियाणा में जजपा गठबंधन में है और राजस्थान में सामने है भाजपा के, लगता है कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ उठा पाएगी। देखिए, जजपा हमारे साथ यहाँ पर गठबंधन में, ये तो जो राष्ट्रीय टीम है या ऊँचे जो लोग हैं जो हमारे संगठन का शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेगा क्या उनकी किस तरीके से किस किस स्टेट में आपस में कोल्यूशन है, किस स्टेट में पार्टनरशिप है, किस स्टेट में क्या क्या वो है, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का। फरीदाबाद लोकसभा में आपकी सक्रियता बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और मुझे पूर्व में हरियाणा के अंदर मंत्री का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तो सभी लोगों से मिलना जुलना है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाम सभी लोगों के नाते हर किसी के दुख सुख में आना जाना रेगुलर रहता है, तो उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी मतों से हमें प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसके लिए लोगों के बीच में। मंत्री जी, हाल ही में ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव को लेकर के आपने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात की है, क्या कुछ रहा उस मुलाकात में, क्या जो धरना चल रहा है उसको कब तक? बहुत ही अच्छी सकारात्मक मुलाकात रही, वो धरने वाले लोग जो है मोहना गाँव और आसपास के 50 जो पंचायतें हैं वो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बातें, मैंने कहा उनकी बात तो जायज़ है कि हरियाणा के अंदर 24 किलोमीटर का हाईवे बाईपास निकल रहा है, उस पर एक कट ना होना, और मोना में जो कट की डिमांड कर रहे हैं वो समझता हूँ कि सैकड़ों गांवों को लाभ होगा, सिर्फ मोना को लाभ नहीं होगा। तो ये वाली बात को हमने मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा, भाई हमारे नैनपाल रावत जी के नेतृत्व के अंदर, और मैंने वहाँ पर नितिन गडकरी जी के पास जाकर वो बात को रखा, तो बहुत ही सकारात्मक तरीके से उन्होंने इसे लिया, सारे अफसरों की टीम को बुलाकर निर्देश दिए कि इसकी जांच कीजिए और मुझे फैक्ट रिपोर्ट दीजिए, अगर होगा तो किसी नेता पर आरोप भी लगाया है कि निजी फायदे को लेकर के वो गांव जो कट है वो आगे बढ़ा दिया है। ये तो लोकतंत्र है, कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन ऐसी कोई मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के करने से ऐसा नहीं होता, लेकिन जो खमियाँ रह गई हैं ये विचार नहीं है कि क्यों रह गई है, इतना बड़ा हाईवे निकल रहा है और उस पर इतनी बड़ी संख्या जनसंख्या को कट ना मिलना, मैं समझता हूँ कि ये विचारणीय काम है, तो नितिन गडकरी जी ने इसे सकारात्मक लिया, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मोना और आसपास की सरदारी को एक कट मिलेगा। और रही उनके धरने की बात, तो मैं तो उनसे कहा कि सरकार की मंशा, सरकार अरबों रुपये आप लोगों के फायदे के लिए बना रही है, ग्रीन एक्सप्रेस वे खाली सरकार को ही चलेगी, आप लोगों के फायदे के लिए, तो सरकार से आप डिमांड कीजिए, जो गलती रहेगी उसे करेक्शन कराने के लिए कीजिए, इसे कोई टकराव की भावना से नहीं लीजिए, तो उन्होंने इसे ही माना और कोई टकराव। थैंक यू।